नमस्ते प्यारी मम्मी जी। मम्मी जी का मतलब होता है माँ और जी का मतलब होता है ग्रेट। तो अगर ग्रेट माँ कहें तो वो सिर्फ मेरी मम्मी जी है, यानी कि माया साराभाई। कल मदर्स डे है इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है मम्मी जी के नाम। माँ हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, जैसे कि घर साफ रखना, नए नए खाने के डिशेस बनाना वगैरह वगैरह, जिसमें से काफ़ी कुछ मैं सीख गई हूँ। 8 साल पहले जो मैंने स्पीच दी थी उसमें मैंने कहा था कि मैं मम्मी जी जैसा बनना चाहती हूँ, यानी कि मैं माया साराभाई जैसा बनना चाहती हूँ और मैं अभी भी बनना चाहती हूँ। लेकिन आपकी एक दो बातें जो है ना वो मुझे थोड़ा सा खलती है, तो मैं आपको एक दो सजेशन देना चाहती हूँ। सुनिए ना मम्मी जी प्लीज़। हाँ, आप मार्केट जाती हैं महंगी गाड़ी लेकर और महंगे महंगे कपड़े पहनकर गाड़ी में से उतरती है। पहले तो सब्ज़ी वाला आपकी गाड़ी देखते ही दाम डबल कर देता है, उसके बाद आपकी वो जो महंगी साड़ियाँ जो है डिज़ाइनर वाली उसे देखकर दाम 3 गुना बढ़ जाता है। और आप तो बार्गेन भी नहीं करती, सब्जियाँ ऐसे ही लेके आ जाती हैं, क्योंकि अगर आपसे बार्गेन करने को कहो तो आप कहती हैं ओह मोनिशा प्लीज़ सब्ज़ी वाले के साथ बार्गेन करना इज़ जस्ट टू मिडिल क्लास। भाई पैसे बचाइए मम्मी जी, बुरा वक्त कब कहाँ से आ जाए पता भी नहीं चलेगा। देखिए आपको ना मार्केट रबर की चप्पल पहन के, थोड़ी फटी पुरानी साड़ी पहन के, ऐसे गरीब सा मुँह बना के जाना चाहिए और तब जाके सब्जी वाले से दुख भरी आवाज़ में बिल्कुल कहना चाहिए, भैया ये टिंडा कितने का दिया? तो सब्जी वाला सही दाम बोलेगा, हो सकता है कि वो जितने दाम में बेच रहा है उससे थोड़ा कम भी बोले। आप शर्माइए मत, थोड़ा बार्गेन कीजिए, प्राइस कम करवाइए और फिर सब्जी ले आइए। और हाँ, साथ में मुफ्त धनिया, साथ में मुफ्त कड़ी पत्ता और साथ में थोड़ा मसाला। मसाला मतलब मिर्ची, धनिया, कड़ी पत्ता, यही सब तो मसाला होता है मम्मी जी। आप अगली बार ना मुझे ही भेज दीजिए सब्ज़ी लाने के लिए, मैं कम दाम में सब्ज़ी ले आऊँगी और जितने पैसे बचेंगे उससे हम बचत कर लेंगे, है ना? तो मम्मी जी आपके लिए बस एक ही राय है कि हमेशा बार्गेन कीजिए। मैं आपकी तरह पूरा का पूरा बनना चाहती हूँ, लेकिन आप भी मेरी तरह थोड़ा सा बन जाइए ना प्लीज़। एनीवेज बन जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अब तो गुड्डू भी छोटा है, उसकी बहू के लिए कुछ ना कुछ तो आपको रख कर जाना ही पड़ेगा। खैर एनीवेज मम्मी जी बार्गेन करना थोड़ा सा सीख जाइए, ओके प्लीज़। बाकी सबको मेरा प्रणाम और हिंदुस्तान के सभी वासियों को जय हिंद। आई लव यू मम्मी जी।